हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। क्लास टेंथ के फर्स्ट यूनिट इंस्पिरेशन, सेकेंड यूनिट ह्यूमर को कंप्लीट करने के बाद आज हम क्लास टेंथ की बुक इंग्लिश रीडर, राइट, उसकी बुक के थर्ड यूनिट में आ चुके हैं जिसका नाम है इंक्लूजन। अब हम जो फर्स्ट रीडिंग सेक्शन ए है हम उसको जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कि इंक्लूजन होता क्या है, इंग्लिश वर्ड मीनिंग देखें तो इंक्लूजन जो है ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी और डिसेबिलिटी हैव द राइट टू बी रिस्पेक्टेड एंड अप्रिशिएटेड एज वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। और हिंदी मीनिंग अगर इसका देखें तो समावेश, एक शब्द में। अब इसे मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। ये पूरा जो यूनिट है उन सभी बच्चों के लिए हैं जो कि डिसेबिलिटीज के कारण क्या किए जाते हैं, अवॉइड किए जाते हैं और नेग्लेक्ट किए जाते हैं। तो बस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न उनको वैल्यू नहीं दी जा सकती है, राइट। अब ये कोई भी रीज़न हो सकता है, समटाइम्स ये डिसेबिलिटी की वजह से होता है, समटाइम्स लोग जेंडर बायस हो जाते हैं इसलिए इस तरीके से लोगों के साथ या बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, राइट। तो अब हम इस लेसन में ऐसे चैप्टर्स या लेसन को पढ़ेंगे जो कि इंक्लूजन को बताएगा, राइट। तो ये जो चैप्टर है ओवरऑल समावेशन की बात करेगा और ये सिखाएगा कि कोई भी व्यक्ति, नो वन इज लेसर देन एनीवन, राइट। और हम किसी भी बुक को विदाउट रीडिंग इट जज नहीं कर सकते, राइट। मतलब बाहर से किसी का गेटअप देख करके, किसी को देख करके ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सामने वाला कितना बुद्धिमान है, कितना प्रभावशाली है या उनमें क्या गुण है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में आपने एक पिक्चर देखा होगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ चार पांच बच्चे दिखाई दे रहे हैं और ये बच्चे सारे किसी न किसी डिसेबिलिटीज़ के कारण यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। मतलब किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैरों में प्रॉब्लम है, तो किसी ने चश्मा पहन रखा है। मतलब कुल मिलाकर के वो किसी न किसी डिसेबिलिटीज़ से पीड़ित हैं, राइट। अब बात ये आती है कि क्या उनमें इन डिसेबिलिटीज़ की वजह से कोई कमी है या उनके, हम बात करें उनकी बौद्धिक क्षमता को, अगर हम उनकी डिसेबिलिटीज़ की वजह से आके तो क्या हम कह सकते हैं कि इफ़ वी कंपेयर दीज चिल्ड्रन टू द नॉर्मल चिल्ड्रन सो दे आर लेसर देन देम। अगर हम इनके इंटेलेक्ट की बात करें यानी बौद्धिक क्षमता की बात करें तो क्या ये बच्चे उन नॉर्मल बच्चों से कम हैं, तो ये हम पहले से कैसे बता दें। हो सकता है कि ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा प्रभावशाली हों और बुद्धिमान भी हों। तो ये कब पता चलेगा, जब हम उनकी क्षमताओं को जानेंगे। इंक्लूजन इज ऑल अबाउट द गैदरिंग ऑफ अ पीपल और वी कैन से टू गिविंग रिस्पेक्ट एंड टू गिव अपॉर्चुनिटीज एंड टू गिव वैल्यू टू द पीपल हु आर द मेंबर of the organization or of the family, we can say, right? तो यहाँ समावेशन की बात आ रही है। तो आइए समावेशन और इंक्लूजन को जानने के बाद इसके रीडिंग सेक्शन में चलते हैं और इस स्टोरी को रीडिंग के थ्रू प्रोनंसिएट कैसे करते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं और रीडिंग करना सीखते हैं कि हर एक वर्ड किस तरीके से बोला जाएगा और हर एक वर्ड किस तरीके से साउंड करेगा। तो आइए चलते हैं रीडिंग सेक्शन की तरफ और वहाँ सुनते हैं द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, क्या रीडिंग सेक्शन क्या है और अगर आप रीडिंग करेंगे तो उसको किस तरीके से आप रीडिंग करेंगे। लेट्स सी। यूनिट 3 इंक्लूजन, रीडिंग ए, द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई। This story happened really long time back, but it is still very relevant. Girls were taught to cook, to take care of the family, and then married off. Studying was off limits to the girls. In those times, there lived a girl. She was a little different. She always had lots of questions in her mind. When she was little,
Her mother wanted her to learn cooking. The girl asked her mother, "Why should I learn to cook?" Mother said, "So that you can feed yourself when required." The girl said, "Fair enough," and learned to cook. After some time, her mother wanted to teach her household work. The girl again asked, "Why?" Mother said, "So that you can be self-dependent." The girl said, "Fair enough," and she learned the household course. Then one day, her parents told her that they will be marrying her off soon. She asked, "Why?" "Because all girls get married at this age," said the parents. "Everyone does, and so should I." "That's not a good reason. I am not going to marry." The girl's determination surprised her parents. Other parents could have forced the girl into marriage, but her parents did not. So, now the girl had enough time in her hands. As her father was a teacher, she joined her father's academy. There, she learned several hymns and their meanings. She asked questions and learned even more. Soon, she surpassed her father in knowledge. One day, an invitation arrived. It was from the king. The invitation was for the brightest scholar in the academy. As it happened, the king wanted to compile all the knowledge in the universe into books. To get the inputs, he had invited scholars and philosophers from all over the world. There was a discussion in the academy about who to send for this conference. After a lot of thought, they all agreed that the girl was the brightest scholar in the academy. So, the girl was sent to the conference. When the girl reached the conference venue, she was taken aback by the grandeur. She noticed a large number of men, but hardly any women among the delegates. She climbed the dais to take her seat. Suddenly, there was a huge uproar. People in the audience were staring at her. Okay, after coming through the reading section, as we all know how to read and how to pronunciate different words, right? It is clear. Now, coming to the lesson name is The Girl Who Asked Why. Iska meaning kya hota hai? Wo ladki jisne kyun pucha tha? Kyun? Why? Aapne suna hoga कि जो बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, वो अक्सर ये शब्द पूछते हैं क्यों, राइट? और सबसे बड़ी बात, जो छोटे बच्चे होते हैं, राइट? वी कैन से द चिल्ड्रन बिलोंग टू 5 years और द चिल्ड्रन हु आर 5 years 6 years old, ठीक है? अब वो उन बच्चों को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो बच्चे अक्सर क्यों पूछते हैं, राइट? कुछ भी आप अगर काम करते हैं तो वो आपको क्यों पूछेंगे. इवन हम जब उनकी एज में देखते हैं कि वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, राइट? वो टीन एज तक पहुंचते हैं, फिर वो एडोलेसेंट एज में आते हैं, तब भी उनका क्यों अगर जारी है तो इट मींस कि वो क्यूरियस हैं और जानना चाहते हैं. तो फ्रस्ट्रेट या इरिटेट होने के बजाय बीइंग अ पेरेंट वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि हमें उस क्यों का एक प्रॉपर आंसर देना चाहिए. एक्चुअली उस क्यों के लिए हमें उन्हें सेटिस्फाई करना या कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो ये स्टोरी में हम पहले पार्ट में यही देखेंगे कि जो गर्ल है उसके पेरेंट्स उनको कुछ चीज़ों के लिए किस तरीके से कन्विंस करते हैं. बट एक टॉपिक ऐसा आता है जहाँ उस बच्ची को वो कन्विंस नहीं कर पाते हैं, मतलब दे आर नॉट एबल टू कन्विंस हर, राइट? तो यहाँ पे वो बच्ची के साथ क्या फोर्सफुली वही काम कराते हैं जो वो चाहते हैं, या बच्ची को उसके नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए और वॉट एवर शी वॉन्ट टू डू वो करने के लिए एक मौका देते हैं. चलिए लेट्स गो थ्रू द चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर.
ओके, हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर वहाँ से शुरू होता है कि द स्टोरी हैपेंड रियली लॉन्ग टाइम बैक बट इट इज स्टिल वेरी रिलेवेंट. रिलेवेंट का मीनिंग क्या होता है? कनेक्टेड विथ व्हाट इज हैपनिंग और बीइंग टॉक्ड अबाउट. मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो प्रासंगिक कह सकते हैं. तो ये जो स्टोरी है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, बहुत पुरानी, लॉन्ग टाइम बैक की बात है, बहुत पुरानी है, बट इट इज़ स्टिल वेरी रिलेवेंट. लेकिन पुरानी होने के बावजूद भी ये बहुत ही प्रासंगिक है. मतलब आज के दौर में भी हम इस स्टोरी को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और हो सकता है आज भी ये मुद्दे इस स्टोरी पर बेस्ड हो. ओके, गर्ल्स वेर टॉट टू कुक, राइट, टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड दे वर मैरिड ऑफ, स्टडिंग वॉज ऑफ लिमिट्स ऑफ द गर्ल. ये आप लोग सब जानते हैं कि देर वॉज अ पीरियड और इन सम विलेजेस वी कैन सी और इन सम हाउसेस वी कैन सी राइट नाउ ऑल्सो कि गर्ल्स को एक लिमिटेशन में बांध दिया जाता है कि यू हैव बीन मेड टू कुक ओनली, यू डोंट हैव राइट्स टू स्टडी और टू बिल्ट अप योर करियर. ठीक है, तुम्हारे पास कोई ऐसी राइट नहीं है या अधिकार नहीं है कि आप जो है अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान दें और अपने करियर की तरफ ध्यान दें. आपका जो जन्म है यानी यू हैव टेकन बर्थ जस्ट फॉर कुकिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली. जस्ट किसके लिए हुआ आपका बर्थ? सिर्फ और सिर्फ अपने घर परिवार को संभालने के लिए हुआ है और खाना बनाने के लिए हुआ है. सो ये पहले भी था और आज भी कहीं ना कहीं है, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते बट स्टिल इट्स एग्जिस्टिंग इन अवर सोसाइटी. ओके, नाउ इन दोज टाइम्स देयर लिव्ड अ गर्ल, राइट, शी वॉज अ लिटिल डिफरेंट, शी ऑलवेज हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन हर माइंड. मतलब एक बच्ची थी उस समय जब ये चीज़ें बहुत प्रचलित थी, राइट, बहुत ज़ोर शोर से इन चीज़ें ये जो चीज़ें हम कह रहे हैं, हम जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं वो सोसाइटी में बहुत बड़ी मात्रा में थी. एट दैट टाइम देर वॉज अ गर्ल एंड शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर किड्स, राइट, अदर गर्ल्स और अदर बेबी किड्स हम वी कैन से, राइट. तो वो क्यों सब गर्ल्स से डिफरेंट थी? बिकॉज शी ऑलवेज यूज्ड टू आस्क व्हाई. वो हमेशा पूछती थी, हर चीज़ के लिए उसको पूछना होता था क्यों. अगर उसको कह दिया गया बेटा यू हैव टू डू दिस थिंग तो वो बच्ची क्या करती थी? व्हाई शुड आई डू दिस थिंग. सो इसका कहना ये नहीं है कि शी वॉज नॉट पोलाइट. यस, शी वॉज पोलाइट बट According to her, what she is doing, she must be convinced earlier, right? अगर वो कुछ काम कर रही है या parents उससे कुछ काम कराना चाह रहे हैं तो parents को उसको convince करना पड़ेगा, satisfy करना पड़ेगा. Okay, आगे story में बढ़ते हैं. आगे कहता है कि when she was little, her mother wanted to learn cooking, right? The girl asked her mother, why should I learn to cook? Mother said, so that you can feed yourself. Required, whenever required. Okay, तो यहाँ पे बात आती है कि मम्मी उनकी चाहती थी कि when she was a kid, तब से उनकी मदर चाहती थी कि she must learn how to cook, कैसे खाना बनाना चाहिए, right? तो यहाँ पे उस बच्ची ने पूछा कि मोम why do you want that I must learn to cook, या मैं जो है I should learn to cook. तो वहाँ पे उनकी मदर कहती हैं उनको यह कन्विंस करने की या अपने आंसर के थ्रू सेटिस्फाई करने की कोशिश कर दी कि बेटा जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि यू कैन फीड योरसेल्फ व्हेनेवर रिक्वायर्ड. जैसे कि हम बच्चों को कहते हैं घर पे, राइट, कि कम से कम मैगी बनाना सीख लो या ब्रेड बटर लगा खाना सीख लो, कि अगर हम ना हो तो ये रिसोर्सेस आपके पास हैं तो आप बिना अपने आप को हार्म किए अपना पेट भर सको, राइट. बाहर कहीं जाए बिना जो घर में चीज़ें अवेलेबल है उसे बिना अपने आप को हार्म किए, ये जो फायरलेस कुकिंग का जो ट्रेंड चला है बच्चों के लिए स्पेशली चला है कि बच्चे ऐसी सिचुएशन जब घर में बड़े नहीं हैं तो इस तरह की कुकिंग कर सके और अपना पेट भर सके एट द टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे उनकी मम्मी उनको कन्विंस कर रही थी कि राइट, आपको क्या करना है कि आपको जस्ट अपने पेट भरने को सीखना है, राइट, कि आपको अगर कभी भूख लगी और ऐसे सिचुएशन है कि एट द सेम टाइम आई एम नॉट हियर और आपको बहुत भूख लगी तो आप क्या करेंगे, सो दैट यू मस्ट नो हाउ टू कुक, है ना, इसलिए आपको सीखना है. तो फॉर दिस पर्पज शी वॉज कन्विंस, शी सेड ऑल राइट आई विल लर्न टू कुक. ओके, उसके बाद उसने
कुकिंग करना सीख ली. आफ्टर सम टाइम अगेन हर मदर आस्क्ड हर टू टीच सम हाउस होल्ड वर्क, राइट, वी कैन से होम चोरस. तो वो चाहती थी कि उसको हाउस होल्ड वर्क सिखाया जाए. अगेन द गर्ल आस्क्ड वाई, मैं ये क्यों सीखूं, वाई इज़ इट सो नेसेसरी. तो यहाँ पे मदर अगेन उसको कहती हैं सो दैट यू कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट. तो क्या हो सकता है, तुम आगे सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हो. बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे तुमको ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे उस समय तुमको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, फॉर दैट पर्पस यू मस्ट नो हाउ टू डू दिस. ओके, हियर ऑल्सो शी वॉज सैटिस्फाइड एंड शी सेट ओके फेयर इनफ दिस, हियर आई एम कन्विंस्ड विथ योर एक्सप्लेनेशन. देन शी लर्न द हाउस होल्ड चोरस. नाउ एक्चुअली नॉट ओनली हर मदर बट both her father and mother, we can say her parents, told her that soon they will marry her to someone. So here she was shocked and she again asked the same question that why you want to get me married so early, aap kyun chahte hain ki main itni jaldi shaadi karun. So here what was the statement parents given, they said because all girls get married एट दिस एज. वो उनका कहना ये था कि क्योंकि इस एज में सभी लड़कियाँ शादी कर लेती हैं. सो डू यू थिंक इज दिस द कन्विंसिंग पॉइंट? यस, बीइंग अ गर्ल आप भी इतनी कम उम्र में शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे. सो एट दैट टाइम द गर्ल थिंक द सेम थिंग एंड वॉट शी सेड, उसने कहा एवरी वन डज, सो इज इट नेसेसरी दैट आई शुड डू द सेम. सभी वही करते हैं तो ये क्या ज़रूरी है कि मैं भी वही चीज़ करूं? सो दैट्स नॉट अ गुड रीज़न. उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय योर रीज़न एंड आई एम नॉट कन्विंस्ड, राइट. सो एंड शी सेड दैट एंड शी टोल्ड देम कि आई एम नॉट गोइंग टू मैरी एट ऑल, मैं अभी शादी नहीं करने वाली, आप लोग प्लीज़ मेरी बात मान जाइए. तो हियर केम द thinking of the parents and how they tickle their girl. Okay, so by looking the determination of the girl toward the studies, toward gaining her knowledge, her parents decided not to force the girl into marriage. And but her parents, what they did, they help her so that she can learn more, she can gain more knowledge and she can do whatever she want to do. तो यहाँ बात ये हुई कि उसके parents ready हो गए कि बच्ची अगर चाह रही है कि इतनी जल्दी ना शादी करे तो ठीक है. If she want to learn, अगर वो पढ़ाई करना चाहती, if she want to gain some knowledge, अगर वो किसी तरीके का ज्ञान अर्जित करना चाहती है, then what is the problem in it? क्या प्रॉब्लम है इसमें? एंड बिकॉज शी इज़ नॉट कंसर्न एंड बिकॉज शी इज़ नॉट कन्विंस्ड विद दिस रीज़न कि ऑल गर्ल्स आर मैरिड, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शी शुड मैरिड. और इसलिए भी क्योंकि वो इस चीज़ से कन्विंस ही नहीं थी कि क्योंकि सारी लड़कियाँ शादी कर रही हैं इसी एज में तो मुझे भी शादी करना चाहिए. सो उनके पेरेंट्स ने सोचा कि वी मस्ट नॉट फोर्स द गर्ल, हमें बच्ची को या गर्ल को फोर्स नहीं करना चाहिए. ये करने से ज़्यादा सही रहेगा कि वी मस्ट आस्क हर टू डू व्हाट शी वांट टू डू. हमें उसको एक स्कोप देना चाहिए, एक स्पेस देना चाहिए सो दैट शी कैन डू व्हाट शी वांट टू डू. तो वो क्या कर सकती है कि उसे अगर पढ़ाई करनी है, नॉलेज गेन करना है, वॉट एवर उसने सोचा है अपने लिए, वो कर सकती, इतना समय हम उसको दे सकते हैं. तो चलिए आगे देखते हैं कि इस लेसन में आगे क्या होता है. ओके, अब क्या हुआ? सो नाउ द गर्ल हैड इनफ टाइम इन हर हैंड्स, उसके पास बहुत सारा समय था. और एज हर फादर वॉज अ टीचर शी ज्वाइंड हर फादर्स अकेडमी. तो उसने क्या किया, उनके पिता जो थे खुद एक टीचर थे तो उन्होंने अपने पिता की ही अकेडमी में, यह स्कूल हम कह सकते हैं, उनमें ज्वाइन कर लिया. एंड देन
देयर शी लर्न सेवरल हिम्स एंड देयर मीनिंग. और हिम्स का मीनिंग क्या होता है? हिम्स का मीनिंग होता है हम किस तरीके से प्रेयर्स के लिए जो चैंट्स करते हैं या श्लोक बोलते हैं या प्रेयर करते हैं इन फ्रंट ऑफ गॉड, उसे हम हिम्स कहते हैं, राइट. तो वहाँ पे उन्होंने शायद उस समय गुरुकुल शिक्षा पद्धति हुआ करती थी तब की ये स्टोरी के बारे में चर्चा है या दिया गया है, इसलिए वहाँ हिम्स की बात की गई. तो देयर शी लर्न सेवरल हिम्स एंड देयर मीनिंग, और उसके अर्थ को भी समझा. शी आस्क्ड क्वेश्चन एंड लर्न इवन मोर. और सबसे बड़ी बात, शी वॉज सो क्यूरियस. जहाँ भी उसको चीज़ें समझ नहीं आती थी, वेयर देयर ओनली शी स्टॉप हरसेल्फ एंड नेवर हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन. वो वहीं अपने आप को रोकती थी चीज़ों को समझने के लिए नहीं, वहाँ जहाँ उनको चीज़ें समझ नहीं आती थी और वहीं रुकती थी वो, और तुरंत उसके लिए उनके पास क्वेश्चंस होते थे ताकि जहाँ उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं वो डिटेल में उसके बारे में समझ सके. एंड इवन शी लर्न मोर एंड मोर. और उसके बाद उसने क्या किया, बहुत ही सीखा, बहुत ज़्यादा उसने पढ़ाई अच्छे से की और बहुत सारे ज्ञान को उसने क्या किया, अर्जित किया. शी गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज. ओके, सून शी सरपास्ड हर फादर इन नॉलेज. सून शी सरपास्ड हर फादर इन नॉलेज का मीनिंग होता है धीरे से या जल्दी से, राइट. सून मतलब जल्दी ही उसने क्या किया, अपने फादर को नॉलेज में थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया. मतलब अब वो अपने पापा से थोड़ा सा ज़्यादा जानती थी. वन डे एन इन्विटेशन अराइव्ड. कहाँ आया था? उसी एकेडमी में जहाँ पे वो गर्ल जो है वो स्टडी कर रही थी, साथ ही उसके फादर वहाँ पे टीचर थे. तो वहाँ पे एक इनविटेशन आता है. इट वाज फ्रॉम द किंग, राइट. द इनविटेशन वाज फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द एकेडमी. और किसके लिए था? कि उस एकेडमी के सबसे ब्राइटेस्ट स्कॉलर के लिए इनविटेशन था, राइट. एज इट हैपेंड द किंग वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स इन टू बुक्स. और क्यों था वो? इसलिए था जस्ट बिकॉज द किंग ऑफ दैट विलेज वॉन्ट टू कंपाइल और वॉन्ट टू गैदर ऑल द नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स एंड मेक अ बुक ऑफ इट. वो क्या करना चाहता था? एक बुक बनाना चाहता था जिसमें यूनिवर्स के यानी ब्रह्मांड के सारे ज्ञान को क्या कर सके, वो लिख करके समाहित कर सके, राइट. तो फॉर दैट पर्पस ही कॉल द स्कॉलर्स फ्रॉम द होल वर्ल्ड. तो जितने भी लोगों को वो जानता था विश्व में, जितने भी स्कॉलर्स थे, जितने भी स्कॉलर्स को वो विश्व में जानता था, सबको बुलाया था. तो ये इनविटेशन कार्ड भी आया था इन दिस एकेडमी. सो दिस एकेडमी डिसाइडेड व्हाट, ठीक है. Now the academy knows, and each and every member of the academy knows that this girl, means the girl we are talking about till now, is a scholar one, and she is the best in the whole community, right. So unhone decided kiya ki no, we will send her because she is the best of our academy. वो हमारे academy की best है, right? तो उन्होंने चाहा कि नहीं, हम इसे send करेंगे क्योंकि ये बहुत होशियार है और हमारी academy की best person है in the view of knowledge, we can say, right? So now what happened? As the academy decided that the girl is the brightest one among the other members, so they decided to send her to the place. Now what happened there when she reached at the conference, right, there she met a kind of people who are biased toward gender, right. तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे लोगों से उनका मेल हुआ जो कि जेंडर बायस थे. मतलब उनके हिसाब से जो इंटेलेक्ट है, मतलब जो बौद्धिक क्षमता की अगर हम बात करें, वो ज़्यादा किस में होता है, मेल में होता है अगर कंपेयर करें फीमेल से, उनका ये सोचना था. सो व्हेन द गर्ल रीच द कॉन्फ्रेंस वेन्यू शी वॉज टेकन अबैक बाय द ग्रैंडियर. शी नोटिस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मेन बट हार्डली एनी वुमेन अमंग द डेलीगेट्स. तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा अपना बैक स्टेप लेना पड़ा था क्योंकि जब उसने देखा कि इतने ग्रैंड कॉन्फ्रेंस में हार्डली
कोई भी उसके अलावा विमेन नहीं थी, या कोई एक सिंगल वुमेन नहीं थी उसके अलावा, और सारे जितने भी स्कॉलर्स आए थे दे ऑल आर मैन. सो व्हेन शी फाउंड दैट देर आर हार्डली एनी वुमेन अमंग द डेलीगेट, शी वॉज टोटली शॉक्ड एंड शी स्टूड लाइक दैट एंड शी स्टूड जस्ट लाइक शी वॉज सरप्राइज कि वाई, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा क्यों है कि यहाँ पे एक भी वुमेन नहीं है मेरे अलावा और सारे मैन हैं, राइट. शी क्लाइम द डायस टू टेक अ सीट, और वो क्या करना चाहती है, वो स्टेज पर चढ़ने के लिए जिस तरीके से चढ़ती है ताकि वो अपनी सीट पर बैठ सके. देर वर ह्यूज अपरोर, पीपल इन द ऑडियंस वेर स्टेयरिंग एट हर. तो यहाँ पे जब वो नोटिस करती हैं कि जब वैसे कि जैसे ही वो डायस पर या स्टेज पर चढ़ने जाती हैं अपने सीट को लेने के लिए, तो वहाँ पे ऑडियंस से बहुत बड़ा शोर आता है, एक हूटिंग जैसा सीन क्रिएट होता है, एंड द ऑडियंस जो है द वर स्टेयरिंग एट हर, वो उसे गुस्से से घूर रही होती है कि हाउ अ गर्ल इज़ पॉसिबल टू सिट इन द प्लेस और अमंग द स्कॉलर्स. ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम only men can be scholar, women are not able to have such kind of intellect so they can be counted as a scholar. तो यहाँ पे उनका problem ये था कि women तो हो ही नहीं सकती scholar, वो तो बुद्धिमान हो ही नहीं सकती, उनके पास इतनी बौद्धिक क्षमता हो ही नहीं सकती, सबका यही मानना था. ओके, आगे देखते हैं. अ वुमेन हु थिंक शी कैन सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल, वो सब इस तरीके से चिल्ला रहे थे, एक औरत जो ये सोचती है कि स्कॉलर के बीच में बैठ सकती है. प्री पॉस्चर स्क्रीम्ड समवन, बहुत जोर से प्री पॉस्चर किसी ने चिल्लाया. प्री पॉस्चर का मीनिंग होता है टोटली अनएक्सेप्टेबल, टोटली अनएक्सेप्टेबल. तो यहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थे कि एक औरत जो है वो स्कॉलर के साथ बैठ सकती है. लुक एट हर क्लोथ्स, सो प्रोवोकिंग, आई डोंट थिंक शी इज़ फीमेल ऑफ गुड रेपुटेशन, डिक्लेयर्ड अनदर. अब उसके जो है आउटफिट को देख करके या उनके कपड़ों को देख करके लोग ये अंदाज़ा लगाने लग गए थे कि शी इज़ नॉट बिलोंगिंग टू अ गुड फैमिली, राइट. तो यहाँ पे ये बात बहुत गलत थी, जस्ट बिकॉज लुकिंग एट हर कि हाउ द क्लोथ शी वॉज वेयरिंग. तो हो सकता है वो बहुत रिच ना हो, हो सकता है वो छोटी बच्ची हो या एज में कम हो, जिस एज में बच्चों को अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना बहुत पसंद हो, तो वहाँ से उनके कैरेक्टर को जज करना इट इज़ नॉट करेक्ट, राइट. तो वहाँ पे लोग इसी तरह के एजम्पशंस लगा रहे थे एंड They were continuously saying that stop her, it's a sin against God. ये God के लिए पाप जैसा काम है कि एक लड़की जो कि reputed family को belong नहीं करती, still he is at the dais and she is going to sit on the seat. Right. Okay. Everybody looked at the king for a solution. अब सब चाह रहे थे कि जो king है that he should make some judgment and he should satisfy all the audience. सब ने एक आशा भरी निगाह से किसकी तरफ देखा, उस किंग की तरफ देखा. तो आइए देखते हैं किंग ने क्या स्टेप लिया, शुरुआत में किंग क्या सोच रहे थे और कुछ क्षणों बाद किंग का बिहेवियर बदला या एज इट इज़ वो ऑडियंस की तरह ही सोच रहे थे. आइए स्टोरी के अगले पार्ट में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. Now here the king pondered for a moment, means king thought for a moment, वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगा. Girl, there is some misunderstanding, उन्होंने कहा कि लड़की यहाँ पे कुछ misunderstanding है क्या. A woman can't sit on the scholar's panel unless she is accompanied by a man. वो कहना चाह रहे थे कि एक लड़की जो है वो इस स्कॉलर के पैनल में या स्कॉलर नो पैनल एक वर्ड है स्कॉलर के पैनल में मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स हम कह सकते हैं, राइट. तो स्कॉलर्स के पैनल में नहीं बैठ सकती जब तक शी इज़ अकम्पेन्ड बाय ए मैन, जब तक उसके साथ कोई पुरुष ना हो, राइट. तो वहाँ पे वो बहुत पोलाइटली कहती है, पार्डन मी सर योर ग्रेस, बट
आई वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन द डिस्कशन, सेट द गर्ल. वो कहती है, बड़े ही पोलाइटली कहती है कि लॉर्ड या किंग को हम इस तरीके से ग्रीट करते हैं या कहते हैं, योर ग्रेस कहते हैं. तो उन्होंने कहा कि माई लॉर्ड या योर ग्रेस, पार्डन मी, मुझे माफ़ करिएगा सर, बट आई वॉज इन्वाइटेड, मुझे इन्वाइट किया गया था टू ज्वाइन दिस डिस्कशन, लड़की ने कहा. ओके, आई डोंट रिमेंबर इन्वाइटिंग यू, सेट द किंग. किंग सेज कि मुझे नहीं लगता, एंड आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर कि हाउ कुड आई, हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट आई इन्वाइटेड यू. ओके, यू सेंट एन इन्विटेशन कार्ड, द गर्ल सेड. Okay, you send an invitation card. The brightest scholar of the academy is invited for this purpose in this place. Okay, वो कहती हैं आपने जो invitation card भेजा था, वो कहते थे या वो कह रहा था या invitation card में लिखा था कि किसी academy के या इस academy के जो सबसे brightest student हैं उसको यहाँ पर participate करना है या आना है. Okay. आई एम द ब्राइटेस्ट ऑफ माई अकेडमी, मैं अपनी अकेडमी की सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट हूँ. ऑन द इन्विटेशन देर वॉज नथिंग अबाउट ओनली मेल स्कॉलर्स बींग अलाउड, आंसर द गर्ल. लड़की जो थी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में अपनी बातों को रखा. शी सेज दैट कि इन्विटेशन में कहीं ऐसा नहीं लिखा था. उन्होंने कहा कि आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने इन्विटेशन कार्ड में ये कहीं नहीं देखा, राइट, आई हैड नॉट सीन, राइट, कि कहीं भी मेंशन किया गया हो कि ओनली मेल स्कॉलर्स बीइंग अलाउड, कि केवल मेल स्कॉलर ही अलाउड है. ओके, द किंग गेव अ लिटिल चकल. इस पर जो किंग है, ही स्माइल स्लाइटली और ही लाफ स्लाइटली, वो धीरे से मुस्कराए. ओके, यू हैव मेड अ गुड पॉइंट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, सेड द किंग. किंग कहते हैं आप इतनी अच्छे तरीके से इन बातों को कह रही हैं और आपका जो तर्क है बिल्कुल तर्कसंगत है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन कि अगर आप इस स्कॉलर के साथ अगर किसी तरीके के अगर इन स्कॉलर्स के साथ आप यहाँ पे तर्क करती हैं या डिबेट करती हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक वुमेन है जो कि ऑडियंस में से मर्मर करती है, यानी बुदबुदाती है, राइट, धीरे से फुसफुसा के कहती है, बट आई डोंट थिंक अ वुमन कैन जॉइन द डिस्कशन. वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि एक औरत जो है इस तरह के डिस्कशन को जॉइन कर सकती है. तभी जो लड़की है फिर से पूछती है, व्हाई आर यू थिंकिंग सो, आप ऐसा क्यों सोचती हैं. तब उन्होंने आंसर किया, उस महिला ने या दैट लेडी आंसर्ड कि यू विल नॉट फील कंफर्टेबल अराउंड सो मेनी मैन, राइट, सिटिंग अमंग सो मेनी मैन इट विल अनकम्फर्टेबल यू, कि इतने सारे पुरुषों के साथ अगर तुम बैठोगी तो तुमको अनकम्फर्टेबल फील होगा. एट दैट पॉइंट द गर्ल सेज, आई हैव नो प्रॉब्लम, माई फोकस इज ऑन माई वर्क, नॉट इन मैन. वो कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किसी के साथ भी काम कर रही हूँ, एक्चुअली जो मेरा ध्येय है वो सिर्फ मेरे काम के लिए है, ठीक है, मेरा फोकस है वो मेरे काम के लिए है, वो पुरुषों के लिए नहीं है. मैं यहाँ पुरुषों को ऑब्जर्व करने नहीं आई हूँ, मैं अपने काम को करने के लिए आई हूँ. ओके, आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या है और किस तरीके की बातें हैं. ओके, अब क्या होता है, वहाँ पे एक एल्डरली लेडी होती हैं, शी आंसर्ड के शी सेड, वो कहती हैं कि यू डोंट हैव टू डू दिस, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर नॉट बैड लुकिंग, तुम इतनी बुरी पे नहीं दिखती, यू कैन मैरी सम वेल्दी जेंटलमैन, तुम बहुत ही रिच पर्सन से शादी कर सकती हो. तो अगेन जिस चीज़ को उन्होंने, उस लड़की ने अपने पेरेंट्स को नहीं कहा था, वो सेम चीज़ यहाँ पे उस एल्डरली वुमेन ने इनके सामने रखी. तो यहाँ पे द गर्ल डिड नॉट थिंक टू आंसर दिस एल्डरली वुमेन, उसने सीधा सीधा उस एल्डरली वुमेन को इग्नोर कर दिया, राइट. ओके, लेट अस हैव अ डिस्कशन, इफ द स्कॉलर्स हैव ऑब्जेक्शन देन. अ वुमन हु थिंक्स शी कैन सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल, preposterous, screamed someone. Look at her clothes, so provoking. I don't think she is female of good reputation, declared another. Stop her,
It's a sin against God. Everybody looked at the king for a solution. The king pondered for a moment. Girl, there is some misunderstanding. A woman can't sit on the scholar's panel unless she is accompanied by a man. Pardon me, Your Grace, but I was invited to join the discussion, said the girl. I don't remember inviting you, said the king. You sent the invitation for the brightest scholar in my academy. I am the brightest in my academy. On the invitation, there was nothing about only male scholars being allowed, answered the girl. The king gave a little chuckle. You have made a good point. I have no objection, said the king. But I don't think a woman can join the discussion, murmured one of the women in the audience. Why? Asked the girl. You will not feel comfortable around so many men, answered another woman. I have no problem. My focus is on my work, not men. You don't have to do this. You are not bad looking. You can marry some wealthy gentleman, advised one elderly. The girl ignored him. Let us have a discussion. If the scholars have objections, they can debate with her. If she wins, she can join the panel, said the king. Several liked the solution. They were sure that the girl will be humiliated by the scholars. The scholars on the dais discussed among themselves and selected an elderly scholar as their representative. So, by joining the discussion, what you want to prove? That women are better than men? Asked the elderly scholar. No, sir, I don't want to prove anything. I am here to join the discussion, to quench my thirst for knowledge, like all of you, said the girl fearlessly. But greater knowledge is not for women, said the elderly scholar. I beg your pardon, sir, but why? Asked the girl. Because female intellect is weaker than men, said the elderly scholar. Says who, sir? It is written in the hymns. May I ask who wrote those hymns? Asked the girl. The hymns were written by our forefathers, said the elderly scholar. By forefathers you mean our male ancestors? Asked the girl again. Yes, of course, by our male ancestors, said the elderly scholar. How did our forefathers know that women have a weaker intellect? They noticed, said the elderly scholar, irritated. But how, my lord? Give me an example. How did they notice? Asked the girl again. I don't remember, said the elderly scholar. Doesn't matter. Why don't any of you scholars ask me questions to prove my weaker intellect? Many scholars thought of asking her questions, but feared seeing her immense confidence. You ask too many questions, girl, shouted the elderly scholar. He was furious. The atmosphere was tense. Sir, answer her. Why is a female's intellect weaker than a male's? Said the king. I need to study, Your Grace, to come up with an example, said the elderly scholar. Then I can't stop her from joining the scholars' panel. She has come here on her own merit. I will allow her to sit on the panel until you come up with a convincing example, said the king. People were still doubtful about the girl's worthiness. But as the discussion progressed, all doubts vanished. Days passed. The girl took part in several discussions, asked many questions, and answered many others. Other scholars were astonished by her brilliance.
When the final draft of the book was compiled, many hymns which were composed by the girl were included. Nobody knows for sure what happened to the girl thereafter. Some say she constructed a book of her own hymns. Some say she opened an academy for the girls. Different people, different stories. But everybody agrees that the girl who asked why became the first female scholar.